हे दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो अभी जो है हम गुना 369 जो कि तेलुगु मूवी थी, 2019 में आई थी, एक्शन रोमांस और थ्रिलर मूवी थी। ये जो है एवरेज बॉक्स ऑफिस पे साबित हुई थी। इसका स्टार कास्ट में तो कार्तिकेय, गुमा कोंडा और अंगा थी। इसका जो है डायरेक्टर और स्क्रिप्ट राइटर जो थे अर्जुन जंदयाल थे। तो चलिए इस मूवी का रिव्यू करते हैं। ये मूवी जो है आज रात को आपको जी सिनेमा पे 8 बजे देखने को मिलेगा। इसको जो है डब्ड करवाया है जी इंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड, और ये जो है आपको यूट्यूब पे ऑफिशियली देखने को नहीं मिलेगा। अनऑफिशियली कोई ना कोई डाल देगा जो आपको आराम से कल देखने को मिल जाएगा। तो चलिए मूवी का रिव्यू करते हैं। तो सबसे पहले तो स्टोरी का बेसिक थीम का बात करते हैं। स्टोरी का बेसिक थीम रहता है कि कार्तिकेय का नाम जो है मूवी में गुना रहता है। तो गुना जो है अपना फादर का रोल उसका जो है नरेश करते हैं। फादर से बहुत फ्रैंक रहता है, दोनों का रिश्ता जो है काफ़ी अच्छा रहता है। और कार्तिकेय गुना का जो है गुण रहता है कि वो कोई भी प्रॉब्लम हो, बड़ा से बड़ा प्रॉब्लम जो है बात करके चाहे कॉम्प्रोमाइज़ करके बहुत शांति से सॉल्व कर लेता है। किसी से झगड़ा नहीं करता है, चाहे किसी के नज़र में नहीं चढ़ता है, चाहे किसी को और का भी प्रॉब्लम होता है तो वो अपना दिमाग ला कर उसको सॉल्व करवा देता है। तो काफ़ी उसका जो है यही स्टोरी का थीम है। बात किया जाए कि आपको इन ट्रबल से पहले फुल टू लव स्टोरी देखने को मिलेगा पूरी तरीके से। एज ए लवर बॉय कार्तिकेय का एक्टिंग बहुत अच्छा लगेगा आपको। जो स्टोरी लिखा गया था उस पे जो है परफेक्ट अपना वो एक्टिंग करते हैं। उनका स्माइल, चाहे कैसे लड़की को अप्रोच करने का तरीका, काफ़ी अच्छा लगेगा आपको। जैसे प्रपोज करते हैं, चाहे लड़की को मनाते हैं, काफ़ी अच्छा है। साथ में गाना भी था भंगारू जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा था। लीड एक्ट्रेस जो थी अंगा, उनका भी एक्टिंग मेरे को काफ़ी अच्छा लगा। जिस तरह से वो एक्टिंग करती हैं, उनका फेशियल एक्सप्रेशन, चाहे आइज एक्सप्रेशंस, चाहे डायलॉग डिलीवरी, काफ़ी अच्छा आपको लगेगा। डायरेक्शन भी काफ़ी अच्छा था इन ट्रबल से पहले। डायरेक्टर साहब का स्क्रिप्ट तो पूरा लाजवाब है मूवी का, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन डायरेक्शन जो है बिफोर इन ट्रबल काफ़ी अच्छा था। स्क्रीन प्ले भी काफ़ी इंगेजिंग है, आपको पूरा इंटरटेन करके रखेगा। बात किया जाए इसमें इन ट्रबल के बाद का, तो इन ट्रबल के बाद तो स्क्रिप्ट काफ़ी अच्छा है। साथ में जो है कुछ सोशल मैसेज भी आप बोल सकते हो देता है। लेकिन जिस तरह से इन ट्रबल के बाद ट्रीटमेंट हुआ है ना, मूवी को जो है ख़राब कर देता है। सबसे पहला बात तो उसमें जो है एक्शन सिक्वेंस जितना फरमाया गया है आपको इन ट्रबल के बाद, ट्विस्ट देखने को मिलेगा जो कि काफ़ी अच्छा ट्विस्ट रहता है। बहुत जानदार ट्विस्ट आपको लगेगा। आप सोचोगे ना वैसा ट्विस्ट हो जाता है, इस प्रकार से ट्विस्ट मिलेगा आपको तीन। उसके बाद जो कि एक काफ़ी अच्छा बात था, स्क्रिप्ट भी इंटरवल के बाद अच्छा था। लेकिन इसका जो है एक्शन सीक्वेंस, उसके बाद डायरेक्शन और उसके बाद स्क्रीन प्ले, तीनों ख़राब हो जाता है आफ्टर इंटरवल। जिस तरह से स्टोरी चेंज होता है आफ्टर इंटरवल, जो एक्शन सीक्वेंस होता है 3 देखने को मिलेगा। पहला जो है हॉस्पिटल वाला, जो फुल टू आपका जो है सराय नेडू का जो है क्लाइमेक्स सीन का है, उसका जो है थोड़ा सा चेंजेस के साथ जो है डाल दिया गया। इवन तो एक्सप्रेशन जो आलू अर्जुन देते हैं ना, आप क्लाइमेक्स का एक्सप्रेशन देखोगे आलू अर्जुन का, सराय नेडू का, और इसका एक जगह कार्तिक सेम पूरा वैसे लगा कि वही एक्सप्रेशन दे रहे हैं। साथ में दूसरा एक मतलब एक्शन सीन होता है जो आपको लगेगा कि वो जो है फुल टू, जो मतलब माइनिंग होता है वहाँ पे जो एक्शन सीन होता है वो वाला फुल टू जो है आपको कॉपी लगेगा विशाल की मूवी हिम्मतवर से, जिसका हिंदी नाम रखा गया था, हिंदी डब्ड है तमिल मूवी, तो हिम्मतवर से जो है उससे एकदम हूबहू कॉपी करके डाल दिया गया है। और तीसरा एक्शन सीन्स जो होता है क्लाइमेक्स में, वो वाला आपको एकदम NTR सर का जो मूवी है टेम्पर, उसका एकदम जो जेल में फाइट सीन होता है इसको जो है यहाँ जनरली फिल्म में कर दिया जाता है। तो एकदम तीनों लगेगा कि हाँ एक्शन सीन जो एकदम कॉपी और पेस्ट है, जो ये मूवी को बर्बाद कर देता है। साथ में जैसा इन ट्रबल के बाद इस मूवी जाता है जिस डायरेक्शन में, उस डायरेक्शन में जाने के लिए एक स्ट्रॉन्ग BGM का ज़रूरत होता है, जो कि इस मूवी में वैसा स्ट्रॉन्ग BGM दिया नहीं जाता इस मूवी में इंटरवल के बाद। साथ में जो है स्क्रीन प्ले आपको बहुत जगह खटकेगा कि कैसा हो रहा है, और डायरेक्शन तो बहुत ख़राब हो जाता है आफ्टर इंटरवल। स्पेशली इसका जो ट्विस्ट और स्टोरी बहुत जानदार रहता है। अगर बात किया जाए कार्तिकेय का परफॉर्मेंस का, तो जो उनका इंट्रोडक्शन होता है वही मेरे को सबसे पहले तो मतलब अटपटा सा आया उनका इंट्रोडक्शन लगता है।
मतलब सो के उठते हैं, बॉडी शो ऑफ होता है, वो तो ठीक है चलो अच्छा है बॉडी शो ऑफ करो, लेकिन जब ऐसे ऐसे करके बाल उल झाड़ते हैं ऐसे ऐसे लगता है कि मतलब वो सो कर नहीं बंदा स्नान करके आया, उस तरह से इंट्रोडक्शन दिया जाता है, जो मेरे को काफ़ी ख़राब लगा था। निगेटिव बात ओवरऑल बोलिएगा तो मूवी कैसा है, तो मूवी वन टाइम वॉच है। इसको जो है हिंदी डब्ड में कार्तिकेय को जो है आवाज़ दे रहे हैं सचिन गोले, तो उनका आवाज़ जो है काफ़ी अच्छा है। साथ में जो है इसको बोलिएगा 10 out of कितना दीजिएगा, तो इसको 10 out of जो है हम 6 देंगे। इसको ज़रूर देखिए, आपको जो है स्टोरी पहले तो इंटरवल से पहले अच्छा खासा लव स्टोरी इंगेजिंग लगेगा, इंटरवल के बाद भी आपको जो है ठीक लगेगा क्योंकि साउथ इंडियन मूवी है, तो वी लव्ड साउथ इंडियन मूवीज। चलिए अगर आपने देखा आप देख चुके हैं तो कैसा है ज़रूर कमेंट में बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।